ओके, तो शुरू करते हैं हम बाकी की सेटिंग। हम डार्क से लाइट सेट करेंगे, तो पहले मैं डार्क एरियाज़ को ब्लॉक आउट कर दूंगा। तो जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरियाज़ दिख रहे हैं वहाँ पर मैं चारकोल पाउडर अप्लाई कर दूंगा। जहाँ ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा हम चारकोल पाउडर अप्लाई करेंगे एंड इसे ब्लेंड करते जाएंगे। एंड हमें डार्क से लाइट सेट करना है, तो डार्क से लाइट सेट करते हुए हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे एंड इसे ब्लेंड करते जाएंगे। एंड यहाँ भी हमें डार्क से लाइट ही सेट करना है, तो पहले मैं डार्क एरियाज़ को डार्क कर दूंगा एंड डार्क से लाइट सेट करते जाएंगे एंड इसे ब्लेंड करते जाएंगे अच्छे से। एंड हार्ड चारकोल पेंसिल से एक लाइट सी आउटलाइन क्रिएट कर देंगे, देन इसे ब्लेंड कर देंगे अच्छे से एंड वापस से सेट करते जाएंगे। एंड वापस से हार्ड चारकोल पेंसिल से यहाँ भी आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। एंड इसे ब्लेंड कर देंगे एंड अब शेड करते जाएंगे। एंड हम डार्क से लाइट ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं एंड इसे ब्लेंड करते जा रहे हैं अच्छे से। हम डार्क से लाइट ही सेट कर रहे हैं, जैसे बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि हमें डार्क से लाइट ही सेट करना है, तो हम डार्क से लाइट ही सेट कर रहे हैं। एंड वापस से आउटलाइन क्रिएट करेंगे हार्ड चारकोल पेंसिल से। एंड चारकोल पाउडर अप्लाई करेंगे इस पे। एंड इसे ब्लेंड करते जाएंगे अच्छे से।
एंड ऊपर वाले सेक्शन में भी आउटलाइन क्रिएट करेंगे, आउटलाइन है तो, एंड आउटलाइन से हम सेट करना शुरू करेंगे। जहाँ डार्क है वहाँ पर हम डार्क करेंगे मेकअप ब्रश की मदद से, जहाँ फ्लैट मेकअप ब्रश की ज़रूरत है वहाँ पर फ्लैट यूज़ करेंगे, एंड जहाँ राउंड मेकअप ब्रश की ज़रूरत है वहाँ पर हम राउंड यूज़ करेंगे। एंड छोटे एरियाज में शेडिंग एंड ब्लेंडिंग के लिए फ्लैट मेकअप ब्रश का यूज़ करते हैं, एंड बड़े एरियाज में शेडिंग एंड ब्लेंडिंग के लिए राउंड मेकअप ब्रश का यूज़ करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, बड़े एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए राउंड मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, एंड जस्ट एंड छोटे एरियाज़ के लिए मैं फ्लैट मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब हम हाईलाइट ऐड करेंगे फेस में, जहाँ जहाँ हाईलाइट दिख रहे हैं वहाँ पर मैं हाईलाइट ऐड करूँगा मोनो इरेजर की मदद से। एंड अब नीडेबल इरेजर से एक्स्ट्रा हाईलाइट एरिया में हाईलाइट ऐड करेंगे, एंड फाइनल रिजल्ट ये रहा।